हेलो रिवान, आज हम बात करने वाले हैं क्लासिफिकेशन ऑफ क्रूड ड्रग्स जो है उसके बारे में। आपको दिख रहा होगा ये तो, ये जो हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको दिख रहा होगा, ये क्लासिफिकेशन काफ़ी बार पूछा जाता है एग्जाम में, इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। तो क्या है हमारा, क्या है क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रग्स, दिख रहा होगा आपको ढेर सारे टाइप्स हैं, क्या है सब कुछ आपको बहुत ही सिंपल लैंग्वेज समझाते हैं। तो लिखा हुआ हेडिंग है क्लासिफिकेशन ऑफ क्रूड ड्रग्स। तो पहले हम जानते हैं क्रूड ड्रग्स होता क्या है। तो क्रूड ड्रग्स आर दोज ड्रग्स विच इज ऑब्टेंड फ्रॉम नेचर सोर्स, जो नेचर सोर्स से प्राप्त होते हैं, जैसे कि प्लांट से, एनिमल से, मिनरल से, इन सबसे जो ड्रग्स प्राप्त होते हैं उनको हम क्रूड ड्रग्स के नाम से जानते हैं। ठीक है, अब बोला है क्लासिफिकेशन ऑफ क्रूड ड्रग्स। तो क्लासिफिकेशन ऑफ क्रूड ड्रग्स का मतलब कि क्रूड ड्रग्स कितने टाइप के होते हैं। अब जब किसी भी चीज़ को बांटा जाता है तो बांटने कोई ना कोई बेस होता है, कोई ना कोई कारण होता है। तो हमने किस बेस पे बांटा है, तो हमारे पास ये छः तरीके हैं, छः बेस, छः तरीकों से मैंने बांटा हुआ है। तो ये इसका क्लासिफिकेशन है, कौन कौन से है। तो पहला है अल्फाबेटिकल क्लासिफिकेशन, दूसरा है मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, थर्ड है टेक्सोनॉमिकल क्लासिफिकेशन, फोर्थ नंबर पर फार्माकोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, फाइव नंबर पर है केमिकल क्लासिफिकेशन, और सिक्स नंबर पर आता है हमारा कीमो टेक्सोनॉमिकल क्लासिफिकेशन। तो ये हमारे टोटल छः टाइप, छः क्लासिफिकेशन, छः तरीके से बांटा गया है इसको। ठीक है, तो सबको हम वन बाय वन आपको डिटेल में हम समझाने की कोशिश करते हैं इसमें। ठीक है, तो चलिए वन बाय वन स्टार्ट करते हैं अपना। हम सबसे पहले नंबर पर हमारा है अल्फाबेटिकल क्लासिफिकेशन। अल्फाबेटिकल क्लासिफिकेशन में तो इसमें क्या करते हैं, इसमें हम ड्रग्स को हम अल्फाबेट के हिसाब से बांट देते हैं। ठीक है, ए नाम वाले अलग, बी नाम वाले अलग, सी नाम वाले अलग, सब मतलब अल्फाबेट के बेस पे। तो इन अल्फाबेटिकल क्लासिफिकेशन क्रूड ड्रग्स आर क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू देयर अल्फाबेटिकल नेम्स। एग्जाम्पल के लिए ए नाम से हो जाएगा हमारा कैसिया, अगर बी नाम से हो जाएगा बेंजोइन, बीजवैक्स, सी से सिंकोना, धतूरा, ETC, ये सब हमारे जो बेस पे बांटे गए हैं सब हमारे अल्फाबेटिकल क्लासिफिकेशन, ए बी सी डी ई सब के अल्फाबेट के आधार पर। ठीक है, अब इसे हम कुछ एडवांटेज है कुछ इसका डिसएडवांटेज है उसको देखते हैं। एडवांटेज इसका पहला है इट इज़ सिंपल मेथड, सेकेंड नंबर होता है इट इज़ इजी टू फाइंड, नो टेक्निकल पर्सन इज रिक्वायर्ड, बहुत ज़्यादा बहुत ही क्वालिफाई इंसान की जरूरत नहीं पड़ती सब चीज़ों में। तो यही सब इसके एडवांटेज है। डिसएडवांटेज क्या है भैया, साइंटिफिक नेचर ऑफ द ड्रग कैन नॉट बी आइडेंटिफाई, साइंटिफिक नेचर जो होता है इसका नहीं आइडेंटिफाई किया जा सकता है। सेकेंड नंबर आता है फार्माकोलॉजिकल एक्शन ऑफ द ड्रग्स कैन नॉट बी आइडेंटिफाई, जो फार्माकोलॉजिकल एक्शन होता है उसको भी आइडेंटिफाई नहीं किया सकता। तो ये सब हमारे क्या इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज हैं। अब हम सेकेंड टाइप पढ़ते हैं जिसका नाम है मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में देखिए तो मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में किसमें, उसके आउटर अपीयरेंस के बेस पे, मतलब बाहर कैसा दिखता है उसके बेस पे बांटते हैं। तो ठीक है, तो देख लेना काफ़ी सिंपल डिफिनेशन लिखा हुआ है, जो एकदम देखो डिफिनेशन को इतना सिंपल लिखो कि ज़्यादा एग्जाम टाइम में याद करने की जरूरत ना पड़े, बस देखो तुरंत याद हो जाए। ठीक है, और ये जो हमारे दी आर क्लासिफाइड टू ग्रुप्स, ये हमारे दो टाइप के होते हैं, पहला ऑर्गेनाइज्ड होता है, दूसरा हमारा होता है अनऑर्गेनाइज। तो ऑर्गेनाइज्ड हमारे क्या होते हैं, तो ऑर्गेनाइज्ड क्या होते हैं, इनऑर्गेनाइज्ड ड्रग्स आर ऑब्टेन्स डायरेक्टली फ्रॉम पार्ट ऑफ द प्लांट्स। मतलब जो इसमें क्या होते हैं कि ऑर्गेनाइज्ड में क्या होते हैं कि जो प्लांट्स के बॉडी से पार्ट से, जैसे लीव से अलग, सीड से अलग, रूट से अलग, लीव से अलग, फ्रूट से अलग, इन सबसे अलग अलग। ठीक है, एग्जाम्पल एग्जाम्पल के लिए आप देख सकते हो, एग्जाम्पल इसका एग्जाम्पल के लिए आप देख सकते हो लीव से तुलसी, लीव से जैसे लीव तुलसी, हमारा फ्रूट से हमारा कोरिएंडर, सीड्स मस्टर्ड, रूट रोफलिया, रोल्फिया। ठीक है, तो ये सब जो हमारे आपको एग्जाम्पल्स दिख रहे होंगे ये सब किसके हैं, ये सब हमारे हैं किसके, ऑर्गेनाइज्ड के। ठीक है, अनऑर्गेनाइज्ड के देखते हैं हमारे, तो अनऑर्गेनाइज्ड क्या है, तीन अनऑर्गेनाइज्ड में क्या करते हैं हमारे डायरेक्टली, ये हमारे इनडायरेक्टली प्लांट से प्राप्त, मतलब डायरेक्ट ये प्लांट से हमको नहीं मिलते हैं। ठीक है, पार्ट ऑफ द प्लांट से, जैसे एग्जाम्पल के लिए ओपियम हो गया, कैसिया हो गया, लाया हो गया, अगर हो गया, ये सब मतलब डायरेक्ट आपको प्लांट के, प्लांट से नहीं मिलेगा। ठीक है, तो जैसे आपको कहीं प्लांट से घुमा फिरा के कहीं से मिलेगा, ठीक है, मतलब कि डायरेक्ट प्लांट से आपको नहीं मिलेगा। तो ये हमारा जो डायरेक्ट प्लांट से मिले उसको ऑर्गेनाइज, जो डायरेक्ट प्लांट से मिले वो अनऑर्गेनाइज। इसे कुछ एडवांटेज और कुछ इसके डिसएडवांटेज ये भी सब भी देख लेते हैं। तो इट इज़ कन्वीनियंट, मतलब सुविधाजनक सिस्टम है ये हमारा। डिसएडवांटेज क्या है, इट डज नॉट गिव एन आइडिया अबाउट बायोलॉजिकल सोर्स, ये हमारा बायोलॉजिकल सोर्स का हमारे आइडियाज़ नहीं देते हैं, तो ये इसके डिसएडवांटेज हो गए। ठीक है, अब चलते हैं थर्ड की तरफ। अगला हमारा टैक्सोनॉमिकल क्लासिफिकेशन हम देख लेते हैं। तो इसमें क्या होता है, इसमें टैक्सोनॉमिक बेस पे, टैक्सोनॉमी का मतलब उसकी फैमिली, ऑर्डर, स्पीसीज, इन सब के बेस पे बांटा जाता है इसमें। तो इसका एग्जांपल है उसका टैक्स, इसमें लिख देना क्या इसमें कि टैक्सोनॉमिकल स्टडी के बेस पे इसमें क्लासिफाई किया गया है। ठीक है, अब इसमें जैसे एग्जाम्पल्स हमारे एंजियोस्पर्म्स हैं, देखिए तो इसका फैमिली क्या होता है, इसका फैमिली हमारा लिलिएसियाई है। ड्रग्स जैसे हैं वेनिला, ठीक है, तो वेनिला सब क्या है हमारे इसके ड्रग्स पाए जाते हैं। अब इसे कुछ मेरिट और डीमेरिट देख लेते हैं। तो इसका मेरिट क्या है, इट इज इजी टू आइडेंटिफाई द एडल्टरेंट्स यूज्ड। अब एडल्टरेंट्स यूज्ड का मतलब, एडल्टरेंट्स का मतलब मिलावट होता है एक तरह से। अभी आपको अगले वाले वीडियो में जब मैं इसका नेक्स्ट आपको एक नया टॉपिक पढ़ाना है एडल्टरेंट्स ऑफ ड्रग्स, उसमें मैं आपको पूरी तरह से इस चीज़ को समझाऊंगा। ठीक है,
डीमेरिट इसका क्या है, तो इट डज नॉट गिव आइडिया अबाउट केमिकल कंस्टेंट, मतलब कि हमको आइडिया नहीं देता है केमिकल कंस्टेंट का। तो ये आप टेक्सोनॉमिकल क्लासिफिकेशन आप लिख सकते हो, ठीक है। फिर आता हमारा फार्माकोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, तो इसमें क्या करते हैं फार्माकोलॉजिकल क्लासिफिकेशन देख लेते हैं। तो फार्माकोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में हम इसके उसके थेरेपेटिक एक्शन, उसके काम करने के बेस पे, असर के बेस पे बांट देते हैं इसको, बांटते हैं, ठीक है। तो एग्जाम्पल के जैसे ढेर सारे हैं, बीटर हो गया, कार्मिनेटिव्स हो गया, इमेटिक्स हो गया, एंटीएमेबिक हो गया, लग्जेटिव हो गया। ऐसे बीटर में हमारा क्वेसिया आता है, सिंकोना आता है, इसे जो जो बीटर में जैसे कि हमारा ये सब क्या है, जो पेट में गैस को ठीक करते हैं, जैसे मैंने साइड में लिख भी दिया है, आप लोगों को आसानी होगा। इमेटिक में जो उल्टी वगैरह हुए हैं, जैसे आपका एपेक सब वगैरह है, जो डायरिया में एंटीमेबिक जैसे कुर्ची एपेक के सब हैं, लग्जेटिव में जो लग्जेटिव मतलब जैसे कॉन्स्टिपेशन प्रॉब्लम, जो लेटरिन वगैरह नहीं होती है वो सब, उसमें अगार इस ये सब गोल, ये सब हमारे क्या है इसके ड्रग्स हैं, ठीक है। तो ये इसके एग्जाम्पल हो गए किसके, फार्माकोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में। अब इससे कुछ एडवांटेज है कुछ डिसएडवांटेज उसको जान लेते हैं। तो देखिए एडवांटेज डिसएडवांटेज क्या है, इट इज़ इजी टू यूज, ये करना है। डिसएडवांटेज क्या है, इट इज़ अनेबल टू अंडरस्टैंड द मॉर्फोलॉजी टैक्सोनॉमिकल एंड केमिकल नेचर ऑफ द ड्रग्स, तो इसका डिसएडवांटेज हो गया। अब हमारा पाँचवा नंबर आता है केमिकल क्लासिफिकेशन देख लेते हैं। तो केमिकल क्लासिफिकेशन में क्या है, देखिए भैया केमिकल क्लासिफिकेशन में क्या है, तो केमिकल क्लासिफिकेशन में क्या है, इन केमिकल क्लासिफिकेशन इसको हम केमिकल नेचर के बेस पे इसमें बांटते हैं। केमिकल कंस्टिट्यूएंट जैसे हो गया हमारा एल्कलाइड्स, वोलाटाइल आयल, लिपिड्स, तमाम तरह के हैं। इसमें कुछ ड्रग्स जैसे हो गया हमारा धतूरा हो गया, वसाका हो गया, वोलाटाइल आयल में देखिए क्लब हो गया, सिनामन हो गया, हमारा लिपिड्स में आया कैस्टर ऑयल हो गया, बीस वैक्स हो गया। तो ये सब इसके एग्जाम्पल्स हो गए किसके, केमिकल क्लासिफिकेशन में, ठीक है। मेरिट इसका देख लगता है, मेरिट डीमेरिट क्या है, तो मेरिट में इसका केमिकल नेचर आर नोन, इसका केमिकल नेचर इसमें पता होता है। और हमको इसका डीमेरिट क्या है, तो डीमेरिट इसका क्या हो जाएगा, क्रूड ड्रग्स आर डिवाइडेड इंटू डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप्स, इसमें क्रूड ड्रग्स हमारे डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप में डिवाइड हो जाता है, तो इसके डिसएडवांटेज हो जाएंगे। अब हमारा लास्ट देखते हैं छठवें नंबर पर जो कि हमारा है, जिसमें हमारा है कीमो टेक्सोनॉमिकल क्लासिफिकेशन। तो इसमें क्या होता है, सिक्स नंबर पे मैंने आपको बताया था ये लास्ट है कीमो टैक्सोनॉमिकल क्लासिफिकेशन। इन दिस क्लासिफिकेशन क्रूड ड्रग्स आर क्लासिफाइड, इसमें हम केमिकल नेचर और टैक्सोनॉमी दोनों के बेस पे बांटते हैं। जैसे हमारा क्या है, ये ड्रग्स देखा ट्रोपेन हो गया, ये हमारा देखो केमिकल के बेस पे हमारा अल्कोलाइड्स, और हमारा मैंने टैक्सोनॉमी के बेस पे क्या हो जाएगा हमारा सोलेनेसी। तो ये हमारा मतलब कि इसमें क्या होता है, जो ड्रग्स होते हैं अगर उसको देखोगे तो वो हमारा केमिकल नेचर पे भी है, केमिकल नेचर के हिसाब से पता भी कर सकते हैं इसमें, और देखोगे तो उसको हम टैक्सोनॉमी के बेस पे भी इसमें हम पता कर लेते हैं ड्रग्स को, ठीक है। तो इसे एग्जाम्पल इसको ट्रोपेन हो गया इसका एग्जाम्पल। तो ये सब एग्जाम्पल है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है काफ़ी बार एग्जाम में, आपको आएगा, आप लिख देना, बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में नोट्स लिखा हुआ है, बहुत ही सिंपल है। थोड़ा बहुत जो जो ड्रग्स के नाम है वो थोड़े से आपको फर्स्ट टाइम सुन रहे हैं थोड़ा सा हार्ड लगता है, प्रोनाउंस करने में थोड़ा दिक्कत होती है, प्रैक्टिस करने से सबको आसान हो जाता है, तो बस प्रैक्टिस करना है, बाकी सब सही हो जाएगा। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ और बोर्ड पर, तब तक के लिए बाय बाय।